सो गाइस टुडे इज़ द थर्ड डे, शिवानी रिकवर हो रही है अब अच्छे से। एंड आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे मौसम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है, बारिश आ रही है। अब सोचे पता नहीं कैसे ही जाएंगे हम लोग, क्योंकि आज शायद डिस्चार्ज है हमारा। बारिश आ गई है, मौसम तो काफ़ी अच्छा है। तो गाइस यहाँ पे अभी आए हैं फुटप्रिंट लेने बेबी का, तो अभी बेबी का फुटप्रिंट लेंगे। वो हमारे को कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, एक फ़ोटो और एक फुटप्रिंट। पीओपी होता है नहीं? नहीं। क्या होता है इसमें? एलिजिन डेंटल स्टोन। ओके तो इसमें कलर कौन सा निकलता है? गोल्डन? गोल्डन गोल्डन कलर निकलता है। ओके फुटप्रिंट हो चुके हैं, अब फ़ोटो की बारी है। अभी फ़ोटो भी क्लिक होगी। अब बेसिकली हमारे पैकेज में जो हमारा हॉस्पिटल का पैकेज था, उसमें रूम डेकोरेशन था, कार डेकोरेशन था, फुटप्रिंट्स थे और फोटोग्राफी थी। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे पैकेज के अंदर। तो अभी एक करके सारी चीज़ें हो रही है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। आज डिस्चार्ज है वैसे तो, तभी ये सारी चीज़ें आज ही हो रही हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या चलता है। क्या हुआ शानी? कुछ नहीं यार, मैं कैप पहन लेती, फिर सब कहेंगे बिना क्या बोलते हैं, बिना सर कवर करे घूम रही है। हाँ, ना क्या आई हो अभी कॉम करने के लिए, तो करना पड़ेगा ना कवर, मतलब अनकवर। ये रहा मेरा कैप, हाँ पहन लो। यस, ये हो ना बात। ठीक है, तो भाई शिवानी रेडी हो चुकी है। मैं कहाँ रेडी हो यार, फोटो शूट होने वाला है ना, इसलिए शिवानी रेडी हो चुकी है थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत ही सही। चलो ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू कि अभी बेबी का शूट होने वाला है, तो हमारे को बोला गया कि आप भी साथ में क्लिक कराना, तो अच्छा होगा। हाँ जी, कैसे? चलो जी, ये एक और गिफ्ट आया है हमारे पास क्लाउड नाइन की तरफ से, पेरेंटहुड का। क्या है देखते हैं। ये है गिफ्ट हैम्पर्स फॉर मदर एंड बेबी। और लड़के का कुछ नहीं, हस्बैंड का कुछ नहीं, तुम्हें क्या करना है? ये भी ठीक है, हमारा क्या है? हाँ, ये सब बेबी और मदर। तो बेसिकली ये सारे बेबी एंड मदर के प्रोडक्ट्स हैं। खर्चा तो कर दिया, खुश हो? डब्बा भरा होना चाहिए था खाली। हाँ, ऊपर तक भरा होना चाहिए था वैसे, खाली लग रहा है ना। हाँ जी शानी, कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है फाइनली आफ्टर टू डेज। सही बात है, जान फ्रेश। हाँ, थोड़ा लग रहा है कि जान आई है वापस। हाँ सीरियसली। और कैसा लगेगा अब जब तुम घर जाओगी? तो अच्छा लगेगा ऑब्वियसली, इतने दिनों बाद घर जा रहे हैं। हाँ, और वो भी बच्चे के साथ। आज जो हमारे बेबी का वेलकम है, तो देखते हैं घर पे कैसे होएगा। हाँ, सीन कुछ ऐसे है कि बारिश हो रही है बहुत, और मैं एक इंसिडेंट बताएगी जो सेम इंसिडेंट हो चुका है जब मैं हुआ था। मैं बताओ, जब करंट पैदा हुआ था बहुत बुरा हाल था, आंधी तूफान सेम वैसे के वैसे हो रहा है। तो वो इससे पता चलता है, मेरी बेटी है। ओले भी पड़ रहा है। हाँ, ओले भी पड़ रहे हैं। तो गाइज हम लोग घर आ गए हैं डेकोरेशन करने के लिए, और बाहर बहुत 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 गंदी बारिश आ रही है। पता नहीं करण कैसे निकलेगा, लेकिन हम लोग डिस्चार्ज ले सकते हैं, हम ले नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना आज हमें काम वाली आंटी ने भी डिच कर दिया है, और अर्बन कंपनी ने भी आना था, उन लोगों ने भी डिच कर दिया। तो हम लगे हुए हैं, डेकोर भी खुद ही कर रहे हैं और अभी सफाइयाँ भी करनी है। बाय द वे, जब करण हुआ था तो मैंने सुना था कि तूफान आया था भाई। अब उसकी बेटी हुई है, आई मीन दोनों की, भाई भाभी दोनों की, तो इधर तो भौकाल आ गया है। ऐसे बर्फ के ओले पड़ रहे थे गाड़ी पे, मैं आगे डालूंगा एक वीडियो, उसमें तुम आवाज सुनना, हमारी तो आवाज ही नहीं आ रही, हॉर्न की कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन ओले जो गिर रहे हैं क्या आवाज आ रही है, एक बार आप लोग देखना सर। तो गाइज हम सब रेडी हैं और वो लोग निकल चुके हैं, और छोटी सी मतलब थोड़ी बहुत ही हमने डेकोरेशन की है, ज्यादा तो कुछ किया नहीं है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को।
गाइज ये लोग बस आ गए हैं तो मैं जा रहा हूँ, हो सके तो एक आधा शॉट ले लूँ क्योंकि ये पार्किंग में जाएगी गाड़ी नीचे बेसमेंट में, तो प्रॉपर शॉट ले नहीं पाऊँगा। और हॉस्पिटल वालों ने थोड़ा गाड़ी डेकोरेट करा रखी है तो वो देखना है कि डेकोरेशन बची है या नहीं बची, क्योंकि मौसम तो काफ़ी ख़राब है आज, देखते हैं, लेट्स सी। आ गए हैं गाइज ये लोग और कोई डेकोरेशन नहीं बची है गाड़ी पे। वेदर ही इतना अच्छा है तो क्या ही डेकोरेशन होगी। देखो दांत फाड़े जा रहे हैं। चलो चलो चलो, कुछ नहीं आप कुछ नहीं के पास में चावल भी लगा दो। हम वो तो अंदर आ गए। चलो भाई चलो आप। ये छोटा मोटा काम हमने कर दिया, ज्यादा तो कुछ नहीं। मोमो आया यहाँ पे, मोमो चलो दीदी वो होगी, दीदी होगी ना, नहीं बुआ जी होगी, बुआ वो खुद खा रही है, आओ ये आई ये डर रही है कि वो सुना रही है। लोग भी हम सुन रहे हैं।